गाँ रास्ता विवाद को नहीं 57 नंबर जातीय राजपथ अवरोध करा जाई। नयागढ़ गुडुपांगी और सतरखंड गाँव को नहीं पुणी तेजिला आंदोलन। नयागढ़ सदर थाना गुडुपांगी और सतरखंड मौजा भितर लगी दीर्घ दिन विवाद आज पुणी थरे उग्र रूप धारण करिछि। धनु तीर धरी रास्ता को अवरोध करिछन्ति सतरखंड मौजावासी। प्रशासन और शांति कमिटी पक्षर बारंबार आलोचना करफल हो पुणी जातीय राजपथ को ओह्लाई। खोर्धा बलांगीर 57 नंबर जातीय राजपथ को सिमिलीसाई ठारे अवरोध करिछन्ति। सतरखंड मौजा को एक रास्ता जिबा को थबा बेले गुडुपांगी गाँ लोक रास्ता पाई थबा सरकारी जगह छाड़ नथबा नै सतरखंड मौजा अधिवासी अभियोग करि आसुथिले। तबे परे इहा प्रतिवाद पूर्वरु रास्ता रोक करा जाइथिला। शांति कमिटी और जिला प्रशासन पक्ष बारंबार सभा करा जाए निष्पत्ति उद्यम होता किंतु कौन से स्थायी समाधान हो पारा ना। आज पुणी थे सतरखंड मौजा आदिवासी जातीय राजपथ अवरोध करते जहाँ भिजुआल आप देखिपे कारण बारंबार निजर हक दाबी कलापर अभोग कलापर जिते भी अधिकार मिलला ना रास्ता होने अधिकार तेणु बाध्य से राजपथ अवरोध करातायात संपूर्ण भाव में बंद थी देखा मिली। शह शह जानवाहन रास्तार सेमती अटकी रही है जिते पर्यंत समस्या समाधान न हो रास्तु आम हटबू ना एक चेतावनी देखते लोक मैंने बाबद अधिक सूचना पाई सीधा साल आम प्रतिनिधि शिवराम जोड़ी होती। शिवराम बारंबार लोक मैंने अभियोग करते रास्ता किंतु जिते बड़े प्रशासन शुणी आज बाध्य रास्ता रास्ता को ओह्लाई। प्रशासन वर्तमान किसी प्रतिक्रिया दौर कौन से प्रशासनिक अधिकारी पहुंचले स्थित को नियंत्रण को आने हाँ निश्चित भाव में जहाँ वर्तमान सूचना रही जी उपजिलापाल रही एजुटी मजिस्ट्रेट और स्थानीय स्थान अधिकारी नयागढ़ एसटीपीओ वर्तमान घटनास्थल में पहुँची एवं जहाँ रही जो गाँव जो प्रमुख लोक मैंने रही सतरखंड गाँव जो मुखिया लोक मैंने रही सहित वर्तमान आलोचना जारी रही किंतु जहाँ सतरखंड जो मौजा रही लोक मान दाबी है जे आम तो 10 वर्ष धरी आंदोलन कलु 10 वर्ष धरी प्रशासन को अभियोग कलु आम 10 वर्ष धरी आम जीवन जीविका ठप हो गला किंतु प्रशासन ए दिगरे कौन समाधान दिगरे ठोस कौन पदक्षेप नौना तेणु आम बाध्य कि आम जदि घरे न खाई मरबू आम जब रास्ता न पाई न जाकि मरबू तेल आम ये राज रास्तार गाड़ी चढ़ की मरबू लोक मान जहाँ दाबी रही प्रशासन पाखे युति उपस्थापन रखिंट और सीधा सड़क आम सहित किसी आंदोलनकारी जोड़ी होती प्रतिज्ञा नगर स्मृति लग्न कौन करा चाहिए आज जो आंदोलन कर हजार हजार लोक प्राय एकाठी होती आपने 57 नंबर जातीय राजपथ 5 घंटा धरी मानते अवरोध कले कौन दाबी रही कौन प्रमुख दाबी रही कह आमर मुख्य दाबी रही है आमर जो पूर्वापुरुष रोड था जोटा सांसन होता प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना से टाँचा जो डाइवर्ट कर गुड़ुपांगी लोक नहींपटे रोड निर्माण करपट से ही टाँचा आमको दि जाए कि आमर जो पुराणा रोड निर्माण करें विशेष चिरोपकृत हवा खुशी हबु वैसे रोडटा बलभद्रपुर डिपा प्रशासन को धरिकी पैसा हड़प करपटे रोड निर्माण करें प्रशासन को अवगत करूँ तापर 2017 मसीह जिनसटा होता गला 6 मास पूर्व आम गोटे राली करूँ अन्न से गायचरा पड़े से आम प्रशासन आ कलेक्टर महाशय आसते आ कलेक्टर महाशय आमको भी डकई मीट गुड़ुपांगी लोक आसिक राजी होते आम पुराणा रोड छाड़बू तेणु किसी असुविधा ना से दस्खत करते तेणु से अनुसार आम सतरखंड मौजा रही जाइए न्यूट्रल तापर किछ दिन पर रोडटा को आउ थे कंटा पकईदे कंटा पकईदेलापर आमर जो आदिवासी लोक मैंने 5 खंड गाँव रही राजन ढिपामल चकापथर गोछावरी से जीवन जीविका से रोड दे से गति करुले मेडिसीन खाद्य सब सेपटे जावासा करता तेणु से कते लोक भी मरी जाइंट कोरोन कम्युनिकेशन अभाव जो तेणु आम मैंने सब एकाठी होती आम पूर्वपुरुष रोडटा को आमको फिटा जाए कलेक्टर महाशय दे कथ अनुसार से 50 लक्ष टा से आमको रोड करने आउ गोटे रोड करने आमको सांसन करते कथ अनुजाई ब्लक जेई ब्लक विडीओ आमर आसिक कार्य निर्माण कराया समय गुड़ुपांगी लोक मैंने आसिक बाधाप्राप्त कराइले जहाँफल पुलिस डिपार्टमेंट जाता पुलिस डिपार्टमेंट आम सतरखंड गाँव को बुझासुझा करके रिटर्न फेर आनी कहला आम 15 दिन भितर रोड या बंदोबस्त करूँ कितु आज की 6 मास कौन प्रशासन तरफ कौन पदक्षेप नि जाऊना तेणु आमर सब उत्कृत जनता मैंने आसिक ये आंदोलन करूँ पूर्वापुरुष रोड आम या दिगले आम बहुत खुशी हबु ना आम ये रास्ता अवरोध करूँ।
ଯାହା ସିଧା ସଳଖ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଲେଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି କ'ଣ ଆଲୋଚନା ଯଦି ଆଲୋଚନା କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସୁଫଳ ମିଳିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଯାଙ୍କେ ପାଉନି ବା ତା ଟେର ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କଥା କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଲାଯାଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଏ ରାସ୍ତା ବା ଆମର ଦାବି ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଜମି ବି କେତେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ସେ ଏଇ 40 ଏକର ବା 80 ଏକର ଜମି ସିଏ ଆମର ହଡ଼ପ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଜାଗା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏରିଆକୁ ପଶାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରହଦକୁ ସେ ସରହଦ ଭିତରେ ଆମର ଜମି ଅଛି ଆମେ ବି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ ଖାଇବା ଚକିତ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କରୋନାର ସମୟ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜର ଅଧିକାରର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରାଯିବ କରୋନାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ଲଙ୍ଗା କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି ସେଇ କଟକଣାର ଏଠି ଖୋଲାଖୋଲା ଧଜିଆ ଉଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରିକି ନିଜ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ରାସ୍ତାକୁ ଫେରିପାରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଫେରି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତା କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ବିବାଦ ପ୍ରଶାସନ ସମାଧାନ କରୁ ଏବଂ ଏ ଦାବି ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ନ ହେବ ଏବଂ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ନ ଶୁଣିବ ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ରାଜରାସ୍ତାରେ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅଟକି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସହାୟ ପଡ଼ିଛି ଶିବରାମ ଖବର ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫେରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକାରର ଲଢ଼େଇ ଲଢୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହିଁ ସେ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ